नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ड्राई फ्रूट कटिंग के बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ड्राई फ्रूट कटिंग का बिजनेस करना है, हम इस कंपनी के सेल्स मैनेजर से मिलेंगे और ये मशीन कितने में हम खरीद सकते हैं और इसमें हम कितने प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सके। नमस्कार दक्षेश भाई। नमस्कार दक्षेश भाई, हमें बताएं कि हम इस मशीन कितने में खरीद सकते हैं और इसमें हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। ये बादाम पिस्ता चिप्स कटिंग मशीन है, इसमें केवल आपको बादाम और पिस्ता का स्लाइस होगा। हमारे पास इसमें दो मॉडल है, एक छोटा, ये आप मैन्युअली हाथ से भी चला सकते हैं, और ये जो मॉडल है उसमें आप मोटर भी लगा सकते हैं और हाथ से भी चला सकते हैं। ये आपको पर आवर 1 से 2 किलो कटिंग करेगा और ये घंटे में आपको 3 से 4 किलो आपको कटिंग करेगा। जितना थिकनेस आपको एडजस्टेबल करना है वो आप कर सकते हैं, मोटा पतला जिसको कहा जाता है। दोस्तों, जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब आपको स्लाइड कौन सी रखी है, जाड़ी रखी है, पतली रखी है, वो भी आपको सिखा दी जाएगी। और इसमें मेंटेनेंस और कितना लगता है? इसमें किस तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है, केवल खाली ब्लेड आपको शार्पनेस रखना है, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लगती है? इसमें कोई ऐसा मोटर है नहीं, इसमें 1/4 का मोटर लगता है, छोटा सा मोटर जो आता है वो, उसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक कंजप्शन इतना लगेगा नहीं आपको। दक्षेश भाई, हमें बताएं कि ये कौन इसका कौन यूज कर सकता है? ये जो मशीन है ज़्यादा सर मिठाई वाले हैं, डेयरी वाले हैं, कैटरर्स वाले हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मिठाई जो बनाते हैं, जो अपना डेयरी के उपयोग में जो आता है और आइसक्रीम जो बनाते हैं, वो सबके यूजफुल में ये मशीन रहता है। और ये जो हमारा छोटा मशीन जो है वो ज़्यादा सर घर में यूज़ करते हैं और ज़्यादा सर ये हमारा लंदन है, अमेरिका है, वहाँ पर ज़्यादा ये मशीन हमारा यूज़फुल रहता है। दोस्तों, ये जो चिप्स बनाने का मशीन है तो इसे भी तेजी से हम दूसरा भी हम ड्राई फ्रूट का मशीन है जो टुकड़ा और चिप्स दोनों कर सकता है, ऐसा भी हमारे पास एक मशीन है। दक्षेश भाई, हमें बताएं कि ये मशीन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम ड्राई फ्रूट के पीस हम कैसे बना सकते हैं? ये बादाम पिस्ता चिप्स एंड टुकड़ा कटिंग मशीन है जिसको 2-in-1 कहा जाता है। आप यहाँ से डालोगे तो टुकड़ा होगा और यहाँ आगे से डालोगे तो आपको स्लाइस होगा। स्लाइस भी आप जितना थिकनेस करना चाहो वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। और टुकड़े के लिए हम 4 जाली प्रोवाइड करते हैं, छोटी बड़ी साइज़ की, वो जैसी आप जाली डालोगे वही हिसाब से आपको टुकड़ा होगा। इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता, बटर स्कॉच सबका आप टुकड़ा कर सकते हैं और बादाम और पिस्ता का आप स्लाइस कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन से हम ड्राई फ्रूट का छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब आपको कौन से टुकड़े पर कौन सी ये जाली लगानी है वो सब आपको सिखा दी जाएगी। दक्षेश भाई, हम इसमें 1 घंटे में कितना ड्राई फ्रूट कटिंग कर सकते हैं? ये घंटे में आप 10 से 15 किलो टुकड़ा कर सकते हैं और 5 से 6 किलो आप चिप्स कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस कितना होता है? इसमें ऐसे कोई मेंटेनेंस नहीं है, ओनली आपको जो चिप्स का ब्लेड है वो मेंटेन करना है, बाकी आपको कोई चीज़ का मेंटेन करने का नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, जब आप इस परचेस करोगे तब आपको मेंटेनेंस और सर्विस सिखा दी जाएगी। दक्षेश भाई, हमारे दोस्तों ने ये आपसे खरीद लिया तो आप इसको किस तरह की सर्विस दे सकते हो? हम जब कोई कस्टमर हमारे पास परचेस करने के लिए आते हैं मशीन, तो हम उसको मशीन का पूरा इंट्रोडक्शन पहले कर देते हैं कि इसमें आपको इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगा, तो हम उसको यहाँ पे सब समझा देते हैं और मेजोरिटी अभी तक ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ है मशीन में। दक्षेश भाई, हम ये मशीन से इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो सकती है? ये इसमें आपको 0.14 का मोटर लगता है इसके अंदर और घंटे में आपको करीबन 1 से 2 यूनिट मैक्सिमम आपको इसमें यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, इसमें बिजली का बिल भी खास नहीं होता है और ये मशीन जो है वो आप हाथ से भी चला सकते हैं और मशीन से भी चला सकते हैं, जैसे मोटर से भी चलेगा और हाथ से भी चलेगा आपको ये मशीन। दोस्तों, ये मशीन आप मैन्युअली हैंड लगा कर भी चला सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी का ये मोटर लगा कर भी आप चला सकते हो। ये मशीन 2 तरह से यूज़ कर सकते हो और इसमें आप 2 तरह की कटिंग कर सकते हो, एक तो चिप्स भी कटिंग कर सकते हो और ड्राई फ्रूट के जो टुकड़े उसे होते हैं उसका भी आप कटिंग कर सकते हो। एक ही मशीन में आप 2 बिजनेस कर सकते हो।
दक्षित भाई, ये कौन कौन से यूज कर सकते हैं? ये ज्यादातर आइसक्रीम वाले को यूज में आता है, और मिठाई वाले है, डेयरी वाले है, उनको ज्यादातर ये मशीन हमारा यूजफुल रहता है। और ज्यादातर हमारा आइसक्रीम वाले जितने मैन्युफैक्चरर है उनके पास यही मशीन आपको अवेलेबल मिलेगा। दक्षित भाई, आप कहते हैं कि इसमें ड्राई फ्रूट और चिप्स दोनों हो सकते हैं, तो हमें बताएं कि चिप्स और टुकड़ा कटिंग हम बहुत ही आसानी से हम कैसे कर सकते हैं? इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जो बादाम और पिस्ता है उसको थोड़ा आपको मॉइस्चर देना पड़ेगा। मॉइस्चर के अलग अलग प्रकार है कि जैसे आप उसको गीला करके भी कटिंग कर सकते हैं, उसको कपड़े में रख के भी कटिंग कर सकते हैं, और फ्रीजर में भी रख के आप कटिंग कर सकते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। मॉइस्चर आने के बाद ही बराबर से आपको स्लाइस कटिंग होगा। टुकड़े में कोई मेजॉरिटी ऐसा वो नहीं है कि आप उसको मॉइस्चर करो तो भी ठीक है, और ड्राई कटिंग करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको केवल स्लाइस के लिए ही आपको मॉइस्चर करना पड़ेगा। दक्षित भाई, हम इस मशीन से कैसे ड्राई फ्रूट कटिंग कर सकते हैं? ये जो मशीन है वो ड्राई फ्रूट का आपको चिप्स भी कर सकते हैं और पाउडर भी कर सकते हैं। बादाम पिस्ता का आप चिप्स भी कर सकते हैं और काजू बादाम पिस्ता का आप पाउडर भी कर सकते हैं। ये पूरा एसएस बॉडी में है और 1 HP का इसमें मोटर लगा हुआ आता है। दक्षित भाई, इसमें हम कितना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? ये घंटे में आप चिप्स 10 से 15 किलो निकाल सकते हैं, और पाउडर भी आप 10 से 15 किलो पाउडर भी इसमें हो जाएगा आपको। दोस्तों, हमने इस वीडियो में ड्राई फ्रूट के अलग अलग मशीन देखे, जैसा कि हम इस मशीन हाथ से चलाने वाले भी मशीन देखे, हाथ से और मोटर से चलाने वाले भी मशीन देखे, टुकड़ा और चिप्स बनाने वाले मशीन देखे, और चिप्स और पाउडर बनाने वाली मशीन देखे। दोस्तों, हम ये मशीन कितने में खरीद सकते हैं वो हम इसे दक्षेश भाई से मिलकर बात करेंगे। इसमें हमारे पास काफ़ी तरह की रेंजेस है। ये 2400 रुपये से लेके 28,000 तक के मेरे पास अलग अलग कैटेगरीज में मशीन की रेट्स है सब। और जिस तरह से जिसका जो रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह से वो मशीन परचेस करते हैं। जिसको चिप्स का रिक्वायरमेंट रहता है, कितना प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी चाहिए वो हिसाब से रहता है, और जिसको बड़ा काम करना है तो वो हिसाब से वो बड़ा मशीन परचेस करते हैं। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो।